कल ग्राम सभा नौकी के मजरा बदलीपुरवा में दो बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल वहां पर चिकित्सा अधिकारियों की टीम भेजी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी और नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा गया। वहां संज्ञान में आया कि 2 तारीख की रात में एक बच्चे की मृत्यु हुई है और 3 तारीख को एक बच्चे की मृत्यु हुई है। जो अभी जिला कार्यक्रम अधिकारी की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या प्राप्त हुई है, इसमें अभी ये आया है कि उनको उल्टी दस्त हुआ था और डायरिया के कारण उनकी हुई है मौत। लेकिन फिर भी इसमें मैंने उप जिलाधिकारी को एक जांच अधिकारी नामित किया है कि इनको देख लें कि इनको नियमित रूप से जो पोषाहार है मिल रहा था कि नहीं, और सारे जो इन्हें उपचार मिलने चाहिए थे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा वो सब मिल गए हैं कि नहीं। इन समस्त प्रकरण की रिपोर्ट मैंने उप जिलाधिकारी से चाही है और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वो तत्काल वहाँ स्थानीय लोगों की मदद से वो गुरसहायगंज एक निजी अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया गया था। उसके पश्चात जैसे जानकारी मिली उनको वहाँ से शिफ्ट करा के वर्तमान में मेडिकल कॉलेज तिरवा में उनका इलाज कराया जा रहा है। मैंने वहाँ स्वयं भ्रमण किया है, वहाँ डॉक्टर्स से बात भी किया है और वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि स्थिति में सुधार हुआ है। क्या मानते सर, इसमें स्वास्थ्य विभाग की कोई लापरवाही? अब इसमें इसकी जांच कराई जाएगी, अगर किसी की भी लापरवाही अगर मिलेगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।